हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुक विद दिशा 78 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं नाश्ते की एकदम नई रेसिपी शेयर करूंगी। पिज़्ज़ा बर्गर से भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा ये बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जो आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने कैसे बना के तैयार किया है, चलिए देख लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ 3 आलू ले लिया है और जिसका छिलका अच्छे से उतार लिया है, और इसको फ्रेंड्स हमने पानी में डाल दिया है ताकि ये काला ना पड़े। अब इसको थोड़े थोड़े स्लाइस में काट लेंगे, छोटा छोटा पहले स्लाइस कर लेंगे, फिर इसके बाद से इसको क्यूब में काट लेंगे। अगर जो आपको जैसे सुविधा लगे वैसे काट सकते हैं। तो ये देखिए, ऐसे जैसे हम फिंगर चिप्स काटते हैं तो ऐसे इसको काट के और इसके ऐसे छोटे छोटे क्यूब में इसको काट लेना है। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ऐसे ही मैं इसके क्यूब काट लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे आलू को ऐसे क्यूब में काट लिया। अब इसको 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया, इसका स्टार्च निकल गया। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही पानी रख दिया था गर्म होने के लिए और बहुत अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है। तो अब ये जो आलू है इसमें डाल देंगे, इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ आलू को ही हम अच्छे से उबालेंगे। अच्छे से क्या मतलब, 60% या 70% तक ही हमें इसको बॉयल करना है। तो अभी इसको एक बार स्टर कर लेते हैं और ढकना नहीं है, ऐसे ही हमको इसे उबालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 80% तक अच्छे से उबल चुका है। अब यहाँ गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और पानी में से निकाल देंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कुक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आलू निकाल लिया और ये बहुत हल्का गर्म है, ज़्यादा गर्म। अब हम यहाँ शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च था जिसको चॉप कर लिया है, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे। और एक चम्मच यहाँ हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। और फ्रेंड्स, 2 चम्मच यहाँ हम मैदा ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 1/2 चम्मच यहाँ चिली फ्लेक्स डाल दूंगी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ हमने धनिया को काट लिया है, इसको भी डाल दूंगी। और यहाँ 1/2 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, इससे बहुत ही चटपटा ये बन के तैयार होता है। आप चाट मसाला के जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने ओरिगेनो लिया है, इसको भी थोड़ा सा डाल दूंगी। बहुत ही टेस्टी बन के ये नाश्ता तैयार होता है। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि चाट मसाला में भी नमक होता है, तो उसी हिसाब से हमें नमक ऐड करना है। और देखिए, अभी हमारा ये आलू थोड़ा सा गर्म है तो बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा कॉर्नफ्लोर और मैदे के साथ। तो स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, आपको ज़रूरत लगे तो आप यहाँ पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं भी इसमें 1 चम्मच पानी ऐड करूँगी ताकि अच्छे से इसके साथ सेट हो जाए। तो आप कोशिश करिए कि गर्म पानी ही, जिसमें आपने आलू को उबाल के लिया है, वही पानी इसमें 1 चम्मच डाल देंगे तो बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी। तो यहाँ मैं 1 चम्मच से कम पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि आलू भी अभी थोड़ा सा वो था, पानी जैसे ही था। तो देखिए, बहुत अच्छा इसमें बाइंडिंग आ गया, आप देख पा रहे हैं। मैं हाथ से दिखा दूँ, ये देखिए। तो हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छा ये चिपचिपा बन के तैयार हो गया। हम लेंगे यहाँ ये थोड़ा सा, 1 चम्मच हमने मैदा लिया है और इसमें बहुत थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पतला घोल बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम पतला हमें बनाना है, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल एकदम दूध जैसे हमने इसको बना के रखा है। तो अब हम हाथों में ऐसे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और ये जो आलू का हमने बना के रखा है इसमें थोड़ा सा इसका मिक्सचर ले लेंगे, एक रोटी से भी छोटा, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ मैंने ले लिया है ब्रेड। फ्रेंड्स, ये ब्रेड का जो साइड का कॉर्नर वाला हिस्सा होता है, साइड वाला, वो सारा मैंने काट के निकाल दिया है और बीच का भी निकाल दिया है, आप देख पा रहे हैं। तो इसका मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी, ये भी यूज़ में आ जाएगा। और यहाँ इसको इसमें हल्का सा डीप करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये थोड़ा सा ये सोक कर ले हाथों से। आप कोशिश करें कि हाथों से ही लगा लें, क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। और हल्का सा हाथों से इसको प्रेस कर लें, ये देखिए। और मैंने इसको एक पलटे पर रख दिया, आप प्लेट में भी इसको रख सकते हैं। और यहाँ जो आलू का मिक्सचर है उसको इसमें डाल के और अच्छे से इसको
फील कर लेंगे। जो भी इसका जगह है साइड साइड बीच का, उसको अच्छे से फील कर लेना है। आप उंगली का भी हेल्प ले सकते हैं, जिससे ये अच्छे से इसमें सेट हो जाएगा। तो ऐसे ही बना के पहले हम रख लेंगे। ये देखिए, एक और मैं यहाँ दिखा देती हूँ कि ऐसे इसमें डीप कर लेना है, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको स्क्वीज करके निकाल देना है, और इसको एक पलटे पर ऐसे सेट कर लेना है। आप देख पा रहे हैं, और इसमें एक चम्मच ये आलू का जो हमने मिक्सचर बना के रखा है, इसको उठा के इसको फिल कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब ये सारे बन गए, चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पे हमने पैन चढ़ा लिया, जिसमें तेल भी डाल दिया है। अच्छे से ये गर्म हो गया है। अब हम इसके जो ये बना के रखे हैं, इसको बहुत आराम से इस तेल में डाल देंगे। ये देखिए, आप एक नाइफ की हेल्प से इसको ऐसे स्लाइड करके डाल सकते हैं। तो ऐसे ही मैं सारा डाल देती हूँ इसमें। और जब ये एक साइड से अच्छे से सिक जाएगा, फिर हम इसको टर्न कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब एक एक करके हम इसमें टर्न कर लेंगे। थोड़ा सा ये चिपक गया है, तो इसको अलग छुटा लेते हैं और इसको टर्न कर लेंगे। बहुत इजीली ये टर्न हो जाएगा। ये देखिए, और कितना प्यारा लुक आया है इसका। तो फ्रेंड्स, इसको अलट पलट के अच्छे से इसको सेक लेंगे, ताकि इसका कलर एकदम सुनहरा हो जाए और अच्छे से हमारा आलू जो है एकदम क्रिस्पी हो जाए। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं कि कितना अच्छे से ये एकदम कुरकुरा सिक के तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि कितना प्यारा इसका कलर आया है, और बहुत ही क्रंची बन के तैयार हुआ है। तो सेम उसी प्रोसेस से दूसरे बैच को भी हम ट्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारा नाश्ता बन के तैयार है और बहुत ही डिलीशियस बना है। ये देखिए, बहुत ही शानदार हमारा ये नाश्ता बना। फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने नाश्ते को सर्व कर दिया, और आप इसे हरी चटनी के साथ, बच्चे रेड सॉस के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। जैसे हम फ्रेंच फ्राई बनाते हैं, उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। आप देख पा रहे हैं कि कितना डिलीशियस बन के ये तैयार हुआ है। फ्रेंड्स देखिए, कितना बढ़िया ये नाश्ता बन के तैयार है। बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी है। आप देख पा रहे हैं कि बैक साइड से और सामने के साइड से बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ। मैं यहाँ तोड़ के दिखाती हूँ कि देखिए कितना बढ़िया ये हमारा नाश्ता बन के तैयार है। बहुत ही डिलीशियस है फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।